हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंट्स जो कि इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें टर्म्स ही क्लियर नहीं होती कि कौन सी टर्म का क्या रोल है तो आज सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स से शुरू करेंगे और आगे फॉर्मेट और देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे सबसे पहली टर्म है अकाउंटिंग अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ़ ऑल फाइनेंशियल transactions रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी इंडिविजुअल में हो गया sole proprietors जैसे होते हैं और एंटिटी में हो गया जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एग्जिस्टेंस हो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल transactions जो पैसों की transactions होती हैं अकाउंटिंग में क्या होता है उनका रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड होता है समराइजिंग होती है मतलब कि ब्रीफ स्टेटमेंट बनती है मेन पॉइंट्स की एनालाइज होता है एग्जामिन होता है डाटा इन फुल डिटेल एंड रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग का क्या मतलब है रिटर्न स्टेटमेंट जैसे रिटर्न स्टेटमेंट बनती है अकाउंट की वो सारा इसमें आता है इट एक्सप्लेन हाउ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज एंड रिपोर्ट्स दीज ट्रांजेक्शन टू रेगुलेटर्स एंड अदर पार्टीज़ जो कि रेगुलेटर्स या अदर पार्टीज सप्लायर्स इन सबको देखने के काम आती हैं अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम अलोज़ अ बिजनेस टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हैं उनका ट्रैक रखा जाता है कि कितनी परचेज हुई है कितने एक्सपेंसिज आए हैं गए हैं लगे हैं हमारे यहाँ सेल इनकम कितनी हुई है रेवेन्यू कितना आया है लाइबिलिटीज़ कितना उदार है किसको कितना देना है या अकाउंट्स पेएबल ये हो गया हमारा अकाउंटिंग सिस्टम अब है अकाउंट्स एंड अकाउंट इज ए रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंट का मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा कि रिकॉर्ड है जैसे बैंक में जब हम जाते हैं वहाँ एक अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हमारे पैसों का रिकॉर्ड होता है कितना हमने वहाँ पे डाला है कितना निकाला है सब दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेसिफिक असेट लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट में हमारा क्या ट्रैक रहता है बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स कित कौन सी मशीन आई है कहाँ बिल्डिंग है लाइबिलिटी उधार के बारे में इक्विटी मतलब वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी कितने हैं रेवेन्यू इनकम कितनी हो रही है दीज रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज एज द बिजनेस इवेंट्स अकर थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर इन सब में एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो सारा कहाँ पे ट्रैक रखा जाता है अकाउंट में अब है अकाउंटिंग पीरियड एंड अकाउंटिंग पीरियड इज़ द टाइम फ्रेम फॉर विच बिजनेस प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो ट्वेल्व मंथ्स का होता है किसी किसी एंटिटी मतलब कंपनी में वो कैलेंडर ईयर भी फॉलो करते हैं जैसे कि कैलेंडर देखा होगा आपने जनवरी टू दिसंबर वो फॉलो करते हैं या फिर अनदर वे है अप्रैल टू मार्च जैसे कि फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च ये भी ट्वेल्व मंथ का पीरियड होता है वो किस में आता है अकाउंटिंग पीरियड में नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट आर द वंस दैट आर रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स कंपनीज फर्म्स ग्रुप ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल्स भी आते हैं कंपनीज आती हैं फर्म्स बड़ी फर्म्स जो होती हैं ग्रुप ऑफ एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन भी आते हैं दीज पर्सन कुड इंक्लूड नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी है और रिप्रजेंटेटिव पर्सन ए पार्ट नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन कैसे हो गए जैसे कि राम अकाउंट हो सकता है मेरे नाम पे, आपके नाम पे जो अकाउंट हो अन अकाउंट आरती अकाउंट या रोहन वरुण कोई भी अकाउंट हो किसी के नाम का नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल अकाउंट आर्टिफिशियल अकाउंट मैंने आपको बताया जैसे कंपनी होती है इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं सचैस कपूर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट या बुकर्स क्लब अकाउंट एट्सेट्रा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है जो कि किसी के भी हाफ पे होता है या कोई और किसी के भी हाफ पे कोई काम करे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम पर्सन आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दीज इंक्लूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का क्या मतलब है जैसे लोन ड्यू होते हैं बट हैज नॉट बीन पेड नाउ आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट प्रीपेड पेड अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट में क्या आता है जो कि पेड होता है इन एडवांस वो भी सारा हमारा क्या है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट सेकेंड इज रियल अकाउंट रियल अकाउंट आर द वंस दैट आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज असेट्स और पोजेसंस अगर किसी की प्रॉपर्टी है असेट्स में क्या आ गया मशीन व्हीकल बिल्डिंग हो सकती है और पोजेशन अगर किसी का कहाँ पे कहीं पे कब्जा सेकेंड इज रियल अकाउंट रियल अकाउंट आर द वंस दैट आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज असेट्स और अगर किसी की प्रॉपर्टी है असेट्स हैं मतलब कि बिल्डिंग मशीन व्हीकल हो गया और पोजेशन अगर किसी का कब्जा है इट कैन बी टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल रियल अकाउंट टेंजिबल का क्या मतलब होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिसको हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं जैसे मशीनरी अकाउंट है व्हीकल अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट मशीन व्हीकल बिल्डिंग यह हम देख सकते हैं हाथ लगा सकते हैं नेक्स्ट इज इनटेंजेबल अकाउंट दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर एग्जाम्पल ट्रेड मार्क्स होते हैं जैसे पेटेंट होते हैं गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस और कॉपीराइट कॉपी राइट कहाँ पर होते हैं जैसे कि बुक में कॉपीराइट होते हैं वो होते हैं इन टेंजिबल हमारे रियल अकाउंट थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट रिलेट टू इनकम एक्सपेंसिज लॉसिस और गें्स एग्जाम्पल है वेजिज अकाउंट सैलरी अकाउंट रेंट अकाउंट एटसेट्रा नाउ डेटर डेटर क्या होते हैं एन इंडिविजुअल डेट ओज मनी और हु इज इन डेट जो उधार लेता है टू एन ऑर्गेनाइजेशन और ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन या हम किसी इंसान से ले लें ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि बैंक हो गए बैंक ले लो आप एग्जांपल, अ डेटर इज़ सम बडी हैज टेकन आउट ए लोन एट अ बैंक फॉर अ न्यू कार जैसे कि अगर आपको कार लेनी है तो आप बैंक में जाओगे वहां से लोन लोगे इसका मतलब आप कौन हो डेटर हो आपने लोन लिया है लेकिन बैंक क्या होगा क्रेडिटर होगा लेंडर होगा जिसने आपको पैसे दिए हैं क्रेडिटर क्रेडिटर कैन आइदर बी ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और ए गवर्नमेंट बॉडी गवर्नमेंट बॉडी मतलब कि जैसे कि बैंक की मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि बैंक हमें लोन देता है तो वो क्रेडिटर है हम लोन लेते हैं तो हम डेटर हैं समटाइम्स दीज एंटिटी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन मनी जब हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी वो चार्ज करते हैं जैसे टेन परसेंट कभी कभी थर्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट चार्ज करते हैं ना वट इज़ डेबिट एंड वट इज़ क्रेडिट डेबिट मीन्स वट कम्ज इन एंड क्रेडिट मीन्स वट गोस आउट जब एक्सपेंसिज लॉसेज एंड असेट्स हमारे बढ़ते हैं इंक्रीज होते हैं तो वो होता है डेबिट जब वो कम होते हैं तो होता है क्रेडिट वैसे ही लाइबिलिटीज रेवेन्यू मतलब कि इनकम और कैपिटल अगर वो बढ़ता है मतलब पैसे जो हमने लगाए होते हैं हम है कह सकते हैं बढ़ता है तो क्रेडिट अगर कम होता है तो डेबिट लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है मनी और जो हमने उधार लिया होता है उसका मतलब होता है लाइबिलिटी इसकी आगे की टर्म्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू